विच चैप्टर वी आर रिवाइजिंग द चैप्टर 14. यस हैव यू या हैव यू लर्न द क्वेश्चन आंसर डी एंड ई बोथ डी और ई दोनों याद कर लिया है. लड़ी का कल रिवीजन किया था. कल तो तुम लोगों ने डी का रिवीजन किया है. कल तुम लोगों ने डी का रिवीजन किया था. चलिए अब तुम लोग वन बाय वन बोलोगे क्वेश्चन नंबर डी का. ठीक है याद किया है पूरा क्वेश्चन आंसर. अब म्यूट कर देंगे ज्यादा हल्ला करेगा तो. चलो ठीक है अब चलिए क्वेश्चन क्वेश्चन डी का पहले ई का पहले ई का स्टेट द कंडीशन दैट हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द कॉटन प्लांट. वन बाय वन वी हैव टू डिस्कस ऑल. ठीक है चलो तुम बताओ. यस पार्टिसिपेंट चलो उत्सव राज यू ऑल ओपन योर वीडियोज. वीडियो ऑन करो. वीडियो ऑन करो पहले. वीडियो ऑन करो सर. वीडियो ऑन करो. वीडियो ऑन कीजिए पहले आप लोग. वीडियो ऑन करो. चलो अब बताओ. यस अब बताओ स्टेट द कंडीशन दैट हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द कॉटन प्लांट. स्टेट द कंडीशंस दैट हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ कॉटन प्लांट. तुम बोलो तो उत्सव उत्सव यू टेल. उत्सव बताओ बताओ स्टेट द कंडीशंस दैट हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द कॉटन प्लांट. Conditions that help in the बोलो बोलो बोलो. वेरी गुड चलो नेक्स्ट. सभी को सभी अपना ऑन रखेगा अपना वीडियो ऑन रखेगा. ठीक है अदिति आराध्या अदिति आराध्या. चलो यू टेल व्हाई डू वी नीड टू यूज फ्रेश सॉइल फॉर कल्टीवेटिंग द जूट प्लांट एवरी ईयर. स्टेट एंड इट्स यूजेज ऑफ द जूट. स्टेट एंड इट्स यूजेज ऑफ जूट. व्हाई डू वी नीड टू यूज फ्रेश सॉइल फॉर कल्टीवेटिंग द जूट प्लांट एवरी ईयर. अच्छा नेक्स्ट कौन है. शिवम कुमार. शिवम कुमार शिवम गिव द डिफरेंस गिव द डिफरेंस बिटवीन द स्पिनिंग एंड वीविंग. शिवम शिवम गिव द डिफरेंस बिटवीन द स्पिनिंग एंड शिविंग. स्पिनिंग एंड वीविंग Thank you.
पूरा याद किया है कि कॉपी में देख के बता रहा है, याद करके बता रहा है। हाँ याद किया है शिवम, वेरी गुड, याद कर लोगे क्योंकि जब एग्जाम में तुमको खुद से लिखना है, ऐसा नहीं है कि तुम। बोलो 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 बोलो। That is called the weaving, ठीक है? Now, next question. Next question कौन है ये? अपूर्वा, yes? बोलो। 6EF. 6EF. तो जिसका पास जहाँ नहीं मिलेगा वहीं पे पढ़ाएंगे। चलो, write in the correct sequence the names of the steps involved in the production of clause. वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है ठीक है। और नेक्स्ट नेक्स्ट बताओ, तुम लोग पहले वीडियो ऑन रखोगे तब हम पूछेंगे, ठीक है? यस, वीडियो ऑन रखो, सब पहले वीडियो ऑन रखो। छिप छिप क्यों पड़ता है, जब क्लास कर ही रहा है तो फिर क्या है? हर्ष कुमार, हर्ष, यस हर्ष बोलो। हाँ, स्टेट द थ्री कंडीशंस, स्टेट द कंडीशंस दैट हेल्प इन ग्रोथ ऑफ द कॉटन प्लांट। बोलो बोलो बोलो। वन अप्रोच हर्ष को बोले, हर्ष बोल रहा है, हर्ष यू टेल, स्टेट द कंडीशंस दैट हेल्प इन द, बोलो बोलो बोलो, स्टेट द कंडीशंस दैट हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द कॉटन प्लांट। यस, याद नहीं किया है, याद करो घर में बैठ के, बैठ के तुम लोग क्या कर रहे हो? पूरा पूरा ऐसे याद रखा करो। हाँ वही तो कर रहे, पूरा पूरा याद करो। चलिए अब बताइए और सब, ये कौन है? आयुष कुमार, आयुष कुमार, आयुष, चलो तुम बताओ। डिफरेंशिएट बिटवीन द नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर, स्टेट एंड थ्री एडवांटेजेस ऑफ द सिंथेटिक फाइबर ओवर द नेचुरल फाइबर। डिफरेंशिएट, वेल फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज अ नेचुरल फाइबर बताओ, व्हाट इज अ नेचुरल, बट इधर, यस तुम नहीं याद किया है, कहाँ पे रखा था? यस यस, टेल मी, बट बोलो 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 बोलो। Hmm?
सिंथेटिक फाइबर इज द प्लांट द फाइबर दैट इज मेड बाय द मैन और द मैन मेड फाइबर इज कॉल्ड द सिंथेटिक फाइबर. ठीक है, कैन यू गिव एग्जांपल ऑफ द सिंथेटिक फाइबर? कैन यू गिव द एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक फाइबर? सिंथेटिक फाइबर एग्जांपल डिवाइस में प्रॉब्लम तुम्हारा है या मेरा है? किसका किसका डिवाइस में प्रॉब्लम है? वॉइस क्लियर है? ठीक है, क्लियर है. अपूर्वा सिंह, अपूर्वा सिंह यू टेल. चलो, एनी थ्री एडवांटेजेस ऑफ द सिंथेटिक फाइबर ओवर द नेचुरल फाइबर. एनी थ्री एडवांटेजेस. वन बाय वन चलो बोलो. हाँ, ड्यूरेशन इज वेरी लॉन्ग है ना, ये भी है कि ड्यूरेशन दे गेट अ वेरी लेस वाटर फॉर मोशन. वेरी गुड. अब इसमें इस चैप्टर में किसी कोई प्रॉब्लम नहीं ना है? याद हो गया है ना सारा? एक बार तुम लोग ये देख लो तो क्या कहते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स देख लो. यू ऑल सी द फिल इन, हां फिल इन द ब्लैंक्स पूछेंगे. देख ला, कॉटन प्लांट्स ग्रो वेल इन व्हिच टाइप ऑफ सॉइल? कॉटन प्लांट एंड ब्लैक सॉइल. यस, ब्लैक सॉइल. सेकंड, व्हाट इज, वेरी गुड. ठीक है, सेकंड, कॉटन इज ऑब्टेंड फ्रॉम द व्हिच टाइप ऑफ cotton plant called cotton is obtained from the fruit of the cotton plant. Now ask me, fruit of the cotton plant called bollas. Beautiful. Okay. Now third, the body coat of sheep is called, the body coat of sheep is called, क्या कहेंगे, flesh. The body coat of sheep is called flesh. Okay. Now four, wool is obtained from the body coat of animal like the, kya hoga? Wool is sheep. Sheep coat or camel. Okay. Now. Camel. Okay. Now jute is obtained from the. Jute is obtained from the bark of jute plant. ठीक है, now very good. अब match the following में बता देना तुम लोग. Fibers into thread, क्या कहेंगे इसको? Fibers into thread. Spinning. Now threads into fabric. Threads into weaving. Fabric means weaving. Yeah, fabric means. Yes, very good. अब एक बार बोलो सब बार. सब बार बार नहीं बोलेगा, एक बार बोलेगा. बोले ना, एक बार बोलेगा, बार बार नहीं बोलेगा. ठीक है. Coloring of fabric. Coloring को क्या कहेंगे? ठीक है, वन ओनली वन टाइम.
नाइन ठीक है, वन टाइम ओनली। ना फोर, मेकिंग पैटर्न ऑन फैब्रिक, प्रिंटिंग 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 हाँ, मेकिंग फैब्रिक स्मूद एंड शाइनिंग, क्या फिनिशिंग 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 मेकिंग फिनिशिंग ठीक है, वेरी गुड। चलिए अब सी में भी देख लोगे, विच वन ऑफ दिस इज नॉट अ मैन मेड फाइबर, नाइलॉन, लिनन, टेरिलीन, लिनन। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग द ओनली इनकरेक्टली मैच पेयर इज, सिल्क सिल्क मलबरी कॉटन सिल्क, कॉटन यस कॉटन सिल्क। ठीक है, नाउ थर्ड, द प्रोसेस ऑफ पुलिंग एंड ट्विस्टिंग ऑफ थ्रेड्स टू मेक अ फाइबर इज नोन एज, ठीक है, यस वेरी गुड। नाउ अभी फोर में आपका, वीविंग इज डन बाय यूजिंग द मशीन्स कॉल्ड, वीविंग इज डन बाय यूजिंग द मशीन्स पाइप, जूट एंड कॉटन प्लांट्स ग्रो वेल रेस्पेक्टिवली इन, एलुवियल एंड ब्लैक सॉइल, एनी प्रॉब्लम? ठीक है, शांत हो जा। अब ये अभी इस चैप्टर में जिसको कोई प्रॉब्लम है नहीं है, नहीं है ठीक है, हम इसके बाद इसके पहले वो चैप्टर करेंगे, 14 हो गया, 13 चैप्टर में आओ, ना रिवाइज द 13 चैप्टर, ये भी करवा दिए थे क्लास में, क्लास में हो चुका था ना रिवीजन, क्लास में रिवीजन ये हो चुका है, सो मेनी टाइम्स, यस सो मेनी टाइम्स इट हैज बीन रिवाइज्ड। चलो क्वेश्चन आंसर याद है, चलो अब तो मैग्नेट का भी क्वेश्चन आंसर याद कर लिया है ना, मैग्नेट का, मैग्नेट का क्वेश्चन आंसर याद है, कल दिए थे याद करने के लिए, कैसे याद कर लोगे, अब देखिएगा आप इसको ना, फिर मैं देखो, स्टेट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट, स्टेट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट, स्टेट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट, चलो अंशिका बता दो, अंशिका 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 आवाज नहीं आ रहा है, मेरी आवाज नहीं आ रही है, हाँ बस क्लियर, चलिए तू बताओ अंशिका, बताओ, स्टेट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट, स्टेट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट, इतना देर से आते जाते रहेगा सर,
चलो सक्षम, ये सक्षम बोलो लेकिन इट्स कनेक्ट टू प्रॉपर्टीज ऑफ अ फैमिली। म्यूट करो अपना, तो म्यूट हम सबको म्यूट कर देंगे, नहीं तो अपना म्यूट कर लो। हेलो हेलो चलो ठीक है, आप तुम लोग चैट बॉक्स में हमको लिख के दिखाओगे, ठीक है? हाँ ना, अब तुम लोग चैट बॉक्स में कोई आवाज नहीं निकलेगा, चैट बॉक्स में सब लिख के दिखाएंगे। चलिए देखिए, तो मैक्सिमम आइडल क्वेश्चन दे रहे हैं। प्लीज डिस्टिंग्विश बिटवीन द परमानेंट मैग्नेट एंड द टेंपरेरी मैग्नेट। डिस्टिंग्विश बिटवीन, क्वेश्चन नंबर ई का फर्स्ट लिखो, तो क्वेश्चन नंबर ई का फर्स्ट लिख के दिखाओ, ई का फर्स्ट। हाँ आंसर चैट बॉक्स में लिख के दिखाओ, चिल्लाएगा नहीं सब, चैट बॉक्स में लिख के दिखाओ तो सब। चैट बॉक्स में लिख के दिखाओ, ई का वन, ई वन। ई वन लिख के दिखाओ, ई वन परमानेंट मैग्नेट एंड टेंपरेरी मैग्नेट। अच्छा आप म्यूट करो, तो जिससे इस जगह से साउंड आ रहा है, फिर हम सबको म्यूट कर देंगे। क्वेश्चन ईवन, हर यू हैव टू इट परमानेंट मैग्नेट एंड द टेम्पररी मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट एंड द टेम्पररी मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट एंड टेम्पररी मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट एंड टेम्पररी मैग्नेट देखो, उसका टाइपिंग का भी तुम्हारा स्पीड अच्छा होना चाहिए। परमानेंट मैग्नेट एंड द टेम्पररी मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट एंड टेम्पररी मैग्नेट। किसकी जैसे आवाज आ रही है, टेम्पररी मैग्नेट एंड द बार मैग्नेट। मैग्नेटिज्म, रिटेन इट्स मैग्नेटिज्म फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम। ठीक है, वेरी गुड। अनदर वन, यस यस, नाउ राइट, ठीक है। प्रियांशु कुमार, वेरी गुड। ठीक है, और सब दिखाओ, और सब लिख के दिखाओ। ठीक सबका, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, सबका आ रहा है, सबका आ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो देख के लिख रहे हो कि अपने याद है, सभी को याद है ना, तो कितनी बार हम स्कूल में भी तुम लोग करवाए हुए हैं रिविजन। तो जल्दी जल्दी करके दिखाओ, मैग्नेट मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। व्हाट इज द मैग्नेटिक मटेरियल, व्हाट इज
नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। हरी अप, यू ऑल हैव टू राइट। हरी अप, यू ऑल हैव टू राइट। You all have to write. जल्दी जल्दी करो। एमपी, वेरी गुड। और सबका ठीक है? मैग्नेटिक एंड मैग्नेटिक एंड मैग्नेटिक मटेरियल। यस यस यस, ठीक। मटेरियल तो हो गया, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल नहीं लिखा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैग्नेटिक मटेरियल इज ऑल्सो मैग्नेटिक मटेरियल इज गुड, गुड, गुड। ठीक है, याद है ना सभी को? हैव यू लर्न्ड और नॉट? तो कितनी बार करवाई कर दी है, बहुत आता है ये चैप्टर है। जी, नाउ सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन वाज वेरी गुड, सबका आ रहा है आंसर, सबका आ रहा है आंसर, चाहिए, अच्छी बात है। चलो, सबने लर्न कर लिया है। अब सेकंड क्वेश्चन लिखिए, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ कंपास, ऑफ ए कंपास ने इलस्ट्रेट इट्स मेन यूज। कंस्ट्रक्शन ऑफ कंपास यूनिट क्वेश्चन, हम थर्ड ई का थर्ड लिखोगे, ई का थर्ड लिख के दिखाओ, ई का थर्ड, ई का थर्ड, ई का थर्ड, ई का थर्ड लिखो, ई का थर्ड। डिस्क्राइब इन ब्रीफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए कंपास नीडल स्टेट इट्स मेन यूजेस। Describe in brief the construction of a compass needed state is main reason. Question number third. Describe in brief the construction of a compass needed state is main use. State is main use. हाँ बोलो, लिखो जल्दी से। जल्दी से लिखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड, थर्ड का लिखो। Third, describe in brief the construction of a compass needle. Estate is main user. Estate, describe in brief the construction of a compass needle. Estate is main user. अभी तक किसी का नहीं आया, जल्दी जल्दी भाई लिखो जल्दी। Construction of a compass needle and good. Very good, very good. ठीक है, ठीक है, सब टाइप करो जल्दी जल्दी। आंसर याद है ना? याद याद किया हुआ देखे करेगा, जो इसको नहीं याद है वो बैठ के अपना याद करो।
सब याद करो। Describe in brief the construction of a compartmented state is main use. सब अपना वीडियो ऑन रखो, सब ऑफ क्यों रख देता है? कैजुअल वे में मत बैठा करो, ऊंचा खुलेगा। भेजो 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 भेजो। इन ब्रीफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए कंपार्टमेंट रिलेटेड स्टेट इज वेरी गुड, बहुत अच्छा। मैच कर लेते हैं। सभी को सब अपना सबने याद किया है ना, सबका याद किया हुआ ही ना हुआ है। और सब सब भेजो, दो तीन भेजते हैं बाकी सब बैठा रहता है। दो तीन भेजेगा बाकी सब बैठा रहेगा, ऑन करके भाग जाता है, क्लास नहीं करता है। चलिए अब ये तो बता दो अपर वे ऑफ शॉर्टिंग। ठीक है ठीक है ठीक है। यस क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो तो। राइट द डिफरेंट वेज थ्रू विच मैग्नेट कैन बी मेड टू लूज देयर मैग्नेटिज्म। राइट द डिफरेंट क्वेश्चन नंबर 5। ई का 5 लिखो। ई 5 है, ई 5 है। स्टेट द वैरायटी ऑफ डिफरेंट वेज थ्रू विच मैग्नेट्स कैन बी मेड टू लूज देयर मैग्नेटिज्म, टू लूज देयर मैग्नेटिज्म। राइट द डिफरेंट वेज थ्रू विच मैग्नेट कैन बी मेड टू लूज देयर मैग्नेटिज्म। ठीक है, और सभी जो आ रहा है, जिसने भेजा है उसका आ गया है। और सभी जो राइट द डिफरेंट वेज थ्रू विच द मैग्नेट कैन बी मेड टू लूज देयर मैग्नेटिज्म। टू लूज देयर, हाँ आ गया आ गया। थैंक यू। और सब सब कहाँ चलना चाहिए? सब अपना टाइपिंग कर जल्दी जल्दी, हर काम में फास्ट रहो। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए मैग्नेटिज्म को अपना वो कैसी क्वालिटी को वो लूज कर लेता है, यही लिखना है। राइट द डिफरेंट वे 5 क्वेश्चन। ई का मैं ई 5 है, ई 5
Right, there are different ways through which magnets can be made to lose their. Yeah. और सबका कहाँ गया? कुछ लिखा है? बाकी तो छोड़ दिया है. डिफरेंट वेज. Different ways, right? Different ways through which the magnet can be made to lose their magnetism. Magnet अपना magnetism कैसे lose करता है ये बताना है, ना? ठीक है, कल तुम लोग का कॉन्सेप्ट चैप्टर याद करके आएगा, कल मैग्नेटिज्म का पूरा याद करके आओगे. ठीक है, मैग्नेट वाला याद किया है सब, इसका चैप्टर 13 भी होगा, चैप्टर 12 भी होगा. हाँ, 12 चैप्टर और 13 चैप्टर कल आप रिवाइज करके आओगे. ठीक है, कल चैप्टर 13 करना है और 14 करना है. अभी इसका तुम लोग लिखो तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया सभी का. सबने नहीं लिखा क्वेश्चन नंबर 5 सिंपी का आ गया. टाइम इज गोइंग टू बी ओवर, खत्म होने वाला है तुरंत. जल्दी जल्दी जो नहीं लिखा जल्दी से लिख के दिखाओ. विशाखा, यस योर आंसर इज राइट. हाँ चलिए, और सर, और सब कहाँ गया? अर्पिता, तुलिका, क्या नाम? ठीक है, तो कल तुम लोग रिवीजन करके आना चैप्टर 12 को और चैप्टर 13 को. हो जाएगा सभी को? चलिए.